हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीत टीचर। बच्चों, आज हम अपने टेक्स्ट बुक की 8th पोयम लर्न करेंगे। कौन कोणापासून काय घ्यावे, रिटन बाय नीलम मंडगावे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक और शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर देना है। तो चलिए पूरे जोश और उल्लास के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की ब्यूटीफुल पोयम कोणापासून काय घ्यावे। सबसे पहले तो हम लर्न करेंगे कि नेचर मतलब क्या। नेचर, अभी नेचर मीन्स क्या, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जो ट्रीज है, रिवर है, माउंटेन्स है, पशु है, पक्षी है, दीज आर ऑल आर द पार्ट ऑफ नेचर। इवन वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, हम भी नेचर का ही एक हिस्सा है। अभी ये नेचर जो है ना बच्चों, ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, दैट टू ऑल्सो इन फ्री ऑफ कॉस्ट। नेचर हमसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेता है। तो ये जो नेचर जो है, ये देने का काम करता है और हम लोग क्या करते हैं, लेने का काम करते हैं। आपण काय करत असतो, नेचर कडनं फक्त घेत असतो, आपण त्याला काहीच देत नाही। तर हे घेण्याचं जे काम आहे हे आपण नेचर कडनं शिकत असतो। शेअरिंग, शेअर करता है नेचर, अपने पास जो भी अच्छी चीजें है, जो भी गुड क्वालिटीज है, वो नेचर क्या करता है, लोगों को शेयर करता है। दिस इज अ गुड पॉइंट वी कैन लर्न फ्रॉम द नेचर। तो इसी तरह ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं नेचर की जो हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमें कुछ दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट नेचर टीच अस इन डिटेल। आता इथे कवी काय सांगता है, सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून शांती। सूर्य, सूर्याला एक स्वतःचा रंग आहे, त्याला स्वतःचा प्रकाश आहे। तर हा जो रंग आहे, हा रंग आपल्याला सूर्याकडून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला आपल्या लाईफमध्ये रंग आहेत, आपल्या नेचरमध्ये नेचरमध्ये जेवढे कलर्स आहेत ते सगळे आपल्याला सूर्यापासून मिळत आहेत। वी गेट ऑल द कलर्स फ्रॉम द सन। अगर हमारे लाईफ में कलर होंगे ही नाही तो कैसे लगेगी ये दुनिया, विल इट लुक ब्यूटिफुल, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखेंगे, एकदम पुरानी ओल्ड मूवी अगर देखोगे तो क्या आपको अच्छी लगती है वो मूवी देखने के लिए, मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के कलर्स ही नहीं है। तो हमें क्या लगता है, हम सभी लोगों को कलर्स बहुत पसंद है। तो कलर्स की वजह से क्या होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, वी फील प्लेजेंट। तो इसीलिए कवि क्या कहती है कि हम सूर्यापासून आपल्याला काय घ्यायचे, रंग घ्यायचे। आणि हे रंग घेतल्यामुळे आपण आपलं लाईफ कसं करू शकतो, ब्यूटिफुल करू शकतो। चंद्रापासून शांती, अभी यहाँ पे कवि क्या बता रहे हमको, कवयित्री, की चंद्रापासून आपल्याला शांती घ्यायची। आता चंद्र मीन्स मून, यू ऑल नो दॅट मून इज अ सिम्बॉल ऑफ पीस। मून को जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, वी फील नाइस, एकदम शांत होता है। सूर्य को अगर हम देखेंगे, सन को देखेंगे दिन में, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सी, लेकिन शाम को क्या लगता है हमें, चंद्र को या मून को देख के अच्छा लगता है। तो ये चंद्र जो है, ये जो इसका लाइट है वो भी वो सन से लेता है। रात को हम ट्विंकलिंग स्टार्स देखते हैं स्काई में, कैसे लगता है ट्विंकलिंग स्टार्स देखते हैं तो अच्छा लगता है ना। सो दो स्टार्स ऑल्सो दे हैव देयर ओन लाइट, स्टार्स को भी अपनी खुद की लाइट है, जैसे सन की लाइट है। तो ये चंद्र जो है एकदम शांत है, शीतल है। तो इससे क्या हमें लेना है, शांति लेनी है। सूर्याकडून आपल्याला काय घ्यायचे, रंग घ्यायचे, कलर्स घ्यायचे, टू मेक अवर लाइफ मोर ब्यूटिफुल। त्याच्यानंतर चंद्रापासून शांती आपल्याला घ्यायची आहे की वी मस्ट बी पीस अँड काम। जो इंसान पीसफुली रहता है उसके लाइफ में ना बच्चों, किसी भी प्रकार का मतलब डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स होते ही नहीं है, बिकॉज ही कीप हिज हेड कूल। वो शांति से सब सुनता है, सोचता है, एंड देन ही वर्क अपॉन दैट। तो ये शांति जो है वो हमें किससे लेनी है, इस चांद के पास से लेनी है, चंद्रापासून आपल्याला घ्यायची आहे। चमचमणाऱ्या ताऱ्यांपासून दिव्य घेऊया कांती। चमचमणारे तारे मतलब ट्विंकलिंग स्टार्स, जो हम सभी को बहुत पसंद है देखने के लिए। तो इनसे हमें क्या लेनी है, कांती लेनी है,
दिव्य मतलब एकदम दैवी, कांती मतलब तेज, तर ज्या प्रकारे जे तारे जे आहेत त्यांना स्वतःचा असं लाईट आहे, त्याच प्रकारे आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला पण आपली अशी इमेज तयार करायची आहे आपल्या लाईफमध्ये की त्याच्यामुळे आपण लाईमलाईटमध्ये येऊ. हमें अपनी ऐसी इमेज बनानी है बच्चों, वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट टू क्रिएट आवर ओन इमेज. तो इस चांद के ये जो स्टार्स हैं इनकी तरह हम क्या करेंगे, चमचमाने लगेंगे अपनी लाइफ में. जैसे स्टार्स स्काई में चमकते हैं उसी तरह हम क्या करेंगे, हार्ड वर्क करके अपने लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे और चमकते रहेंगे, लाइमलाइट में आएंगे, फोकस में आएंगे, ये भी हम कह सकते हैं. आता पुढच्या स्टँझामध्ये कवयित्री सांगतात, फुलापासूनही गंध घेऊया, कोकिळाकडून गाणे. फुलांपासून फ्लावर्स, या फ्लावर्सकडनं आपल्याला काय घ्यायचं आहे, गंध घ्यायचा आहे. व्हॉट इज दिस गंध बच्चो? फ्रॅग्रन्स, खुशबू. कितनी अच्छी लगती है ना हमको खुशबू, जब भी कोई हमें बुकेट या बुके जब गिफ्ट करते हैं तो उनके फ्रैग्रेंस सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके स्मेल लेते हैं. तो वी फील वेरी प्लेजेंट इफ़ वी टेक द स्मेल और द फ्रैग्रेंस ऑफ दोज फ्लावर्स. तो ये फ्लावर क्या करते हैं, इनसे भी हमें सीखने को मिलता है बच्चों. क्या सीखने मिलता है कि दूसरों को खुश रखना. अपने पास जो भी चीज़ है, फ्रैग्रेंस है उनके पास, उन्होंने ऐसे छुपा के नहीं रखी अपने पास, नहीं नहीं मैं नहीं किसी को दूंगा, ये मेरी खुद की फ्रैग्रेंस है, वाई शुड आई गिव अदर्स. नो, दे डोंट कीप सच एटीट्यूड. वो क्या करते हैं, अपने पास जो भी कुछ क्वालिटीज़ है, जो अच्छी फ्रैग्रेंस है, वो लोगों को शेयर करते हैं और उनका लाइफ और भी ब्यूटीफुल करते हैं. तो ये हमें फूलों से सीखना है कि हमारे पास जो भी है हमें क्या करना है, लोगों को देना है. हमें अच्छी क्वालिटीज़ जो हमारे पास है, जो नॉलेज हमारे पास है ना बच्चों, वॉट एवर वी है, कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, वह हमें क्या करना है, इन फूलों की तरह वो जैसे गंध फैलाते हैं, फ्रैग्रेंस फैलाते हैं, हमको भी अपनी नॉलेज को क्या करना है, लोगों को शेयर करना है. कोकिळा कडून गाणे, कोकिळा मतलब कुक्कू. कुक्कू बोलते हैं ना जो जो बहुत ब्यूटीफुली गाती है, वो कोई एक्चुअली फिल्मी सॉन्ग वगैरह नहीं गाती है बच्चों, गाती है मतलब क्या, उसकी जो वॉइस है कुहू 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 बहुत स्वीटली वो करती है, तो वो सुन के भी ना मन को बहुत अच्छा लगता है. स्पेशली नो जब हम विलेज जाते हैं ना, आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम विलेज जाते हैं इन द मॉर्निंग हमें कुक्कू की आवाज़ सुनाई देती है, ब्यूटीफुली उनका आवाज़ निकलता है. तो ये आवाज़ उसका जो गाना है वो गाने से भी हमें सीख मिलती है, उससे भी हमें सीखना है. अभी आप बोलोगे अभी उससे क्या हमें सीखना है, हमें क्या कुछ सॉन्ग सीखना है, हमारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं है, ऐसे आप बोलोगे. बट ऐसे नहीं है, जिस तरह वो ब्यूटीफुली गाती है तो उसी तरह हमें क्या करना है, अपने लाइफ में लाइफ को ब्यूटीफुली और हैप्पी रखने के लिए हमें गाने गाते रहने चाहिए दूसरों से अच्छे. तो वी हैव टू टॉक नाइसली टू द अदर्स, सेम वे वी हैव टू सिंग ऑल्सो इन अवर लाइफ. कभी भी देखो बच्चों, कोई कुछ कुछ लोग होता है ना, उनके लाइफ में कभी कुछ टेंशन्स हुए, कुछ प्रॉब्लम हुए, तो वो क्या करते हैं, अकेले में गाना सुनते हैं. तो गाना सुनने के बाद क्या होता है, हमारे जो भी कुछ टेंशन्स है या फ्रस्ट्रेशन है, थकावट है, तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत दूर हो जाती है. इसलिए एक कुक्कू की तरह हमारे लाइफ को ईजी बनाने के लिए, स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए हमको गाने गाते रहने चाहिए. झुळझुळणाऱ्या झऱ्यापासूनही घेऊ नवे तराणे. झुळझुळणारा झरा, झुळझुळ झुळझुळ क्या ये, दिस इज अ साउंड. जे झरे जे असतात बारिश के सीजन में, छोटे मोटे जो स्ट्रीम्स जो होते हैं ना, वो झरने बहते रहते हैं. तो जब वो बहते हैं, उनका जो झरनों का जो पानी बहता है ना बच्चों, तो वो कैसे बहता है, झुळझुळ झुळझुळ आवाज करत तो वाहत असतो. मग हा आवाज म्हणजे नक्की काय, तर हे त्याचं गाणं आहे. तो गाणं गात जातो आहे, पुढे त्याच्या लाईफमध्ये जातो आहे, तर हे पण आपल्याला शिकण्यासारखं आहे. ये जो पाणी है, रिवर का पाणी हो या झरने का पाणी हो, वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है कहीं पर भी, वो बढ़ते रहता है आगे. ऑलवेज दे फ्लो, दे नेवर स्टॉप ऑन सर्टन पॉइंट. तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है, काय आपल्याला शिकायला मिळतं याच्यातून, की आपल्याला कधीही आपल्या लाईफमध्ये स्टॉप नाही व्हायचं.
आपल्या लाईफमध्ये येणार प्रॉब्लेम्स असतात, सुख असतं, दुःख असतं, पण तरी या पाण्यासारखं आपल्याला काय करायचं आहे, झुळझुळ झुळझुळ वाहत जायचं आहे, म्हणजे पुढे जात राहायचं आहे, थांबायचं नाही आहे लाईफमध्ये. पुढे कवयित्री सांगताय, झाडापासून घेऊ सावली, मातीपासून जगणे. झाडापासून, झाड हे आपल्याला सगळ्या प्रकारे मदत करत असतं. एव्हरी टाईम दिस ट्री प्रोवाइडर्स ऑर द हेल्पर्स, उनके फूल हम यूज करते हैं, उनके फ्रूट्स हम खाते हैं, उनकी शैडो में हम रुकते हैं. जब कभी कोई ट्रैवलर थका हुआ होता है, बहुत धूप लगती है, तो एट दैट टाइम व्हाट डू वी डू, हम कोई एक बड़ा सा ट्री देखते हैं और उसके नीचे हम रुकते हैं, एंड वी फील वेरी रिलैक्स्ड, पीसफुल हमें लगता है, अच्छा लगता है. मग हे झाड काय करता है, स्वतः उन्हामध्ये उभं आहे, वो क्या करता है, धूप में खड़ा है खुद ट्री, लेकिन फिर भी वो लोगों को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. मग हेच आपल्याला ट्री कडून शिकायचं आहे की आपल्याला जरी किती त्रास होत असेल, इफ इट इज पॉसिबल फ्रॉम अस, वी हॅव टू हेल्प अदर्स. जितना भी कुछ हो सके हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हे आपल्याला झाडापासून शिकायला मिळतं. तो स्वतः उभा आहे, त्याला पण त्रास होतो आहे, पण तो कधी असं म्हणत नाही की नाही मी त्रास सहन करतो आहे, मी यांना शॅडो का देऊ, तो असं कधीच म्हणत नाही. त्याच्याकडे जे काही आहे तो सगळं आपल्याला देतो आहे. मग आपण पण तेच करायचं आहे, आपण पण लोकांना आपल्याकडचे जे काही क्वालिटीज आहेत ते शेअर करायचं. मातीपासून जगणे, माती सॉइल, तो सॉइलपासून आपल्याला काय शिकायचं आहे, जगणे, हाऊ टू लिव्ह, लिव्ह अँड लेट लिव्ह, जी जिओ और जीने दो. आता मातीपासून कसं जगायचं आहे बरं आपण, तर आता मातीमध्ये जर एखादं सीड जर टाकलं, अगर हम सीड कोई डालते हैं, तो कुछ थोडा मॉइश्चर, व मिट्टी मॉइश्चर होने के बाद उसमें से स्प्राउट निकल आता है. मग ते स्प्राउट काय करते, ही माती जी आहे त्याचा खूप सांभाळ करते, केअरफुली उस स्प्राउट की वो क्या करती है, केअर करती है. जिस प्रकार मम्मी जो होती है ना अपने बच्चों को बच्चों की केअर करती है, न्यूबॉर्न बेबी हो, बड़ा बेबी हो, कोई भी हो, मम्मी जिस तरह अपने बच्चों की केयर करती है, उनको लव करती है, उसी प्रकार ये जो मिट्टी जो है, ये सॉइल जो है, वो उस सीड को क्या करती है, उसकी केयर करती है, शी लुक आफ्टर दैट. पुढे कवयित्री सांगता है, गडगडणाऱ्या ढगापासूनही घेऊ जीवन गाणे. गडगडणारे ढग मतलब क्या, थंडरिंग. यस, अभी शुरू होगी, कुछ दिनों पहले था कुछ थंडरिंग, सुना आप लोगों ने, डर लगता है जब थंडर होता है स्काय में, तर या थंडरिंग करणं किंवा गडगडणारे ढग जे आहेत, गडगडणे म्हणजे थंडरिंग, तो जे थंडरिंग जो है ते ढगांपासून आपल्याला काय घ्यायचं आहे, जीवन गाणे, लाइफ सॉन्ग, लाइफ की जो सॉन्ग होती है या जीवन गाने जो होते हैं वो हमें सीखना है. अभी कैसे सीखना है, अभी जब थंडरिंग जब स्टार्ट होता है तो इन द बिगिनिंग वी फील वी आर अफ्रेड ऑफ दैट, हमको डर लगता है, लेकिन उसके बाद थंडरिंग के बाद बारिश आनी शुरू होती है कि नहीं होती है, तभी आपको कैसे लगता है, अच्छा लगता है ना जब बारिश आती है. तो इसी तरह यहाँ पर कवयित्री ने क्या बताया है कि थंडरिंग की तरह कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आएंगे, बहुत कभी एकदम एक साथ दो तीन प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आएंगे, लेकिन उसके बाद उसका सोल्यूशन भी मिलता है. जैसे कुछ कभी खुशी कभी गम, जैसे दुख हमारे लाइफ में आता है ना बच्चों, तो उस दुख के बाद सुख भी आता है. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, देर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड कि उसके पास सुख ही सुख है या दुख ही दुख है. सबके पास सुख और दुख दोनों ही होते हैं, कभी सुख आता है तो उसके बाद दुख भी होता है, दुख अगर है तो उसके बाद में खुशी भी होती है. तो इस तरह ये लाइफ जो है, दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ, जो खुशी और गम, तो हमें क्या करना है, उसको फेस करना है. हे आपल्याला या ढगांपासून शिकायचं आहे की सुरुवातीला भीती वाटते पण नंतर आपल्याला आनंद होतो, हो की नाही. आता पुढे कवयित्री सांगताय, प्रभातकाळी एक शिकूया, जगवीत जीव जगूया. प्रभातकाळी मतलब मॉर्निंग, सकाळ, सकाळी आपल्याला काय करायचं आहे, एक शिकायचं आहे, एक गोष्ट आपल्याला शिकायची. वी हॅव टू लर्न वन थिंग, व्हॉट वी हॅव टू लर्न, जगवीत जीव जगूया.
हमें क्या करना है, अपने आसपास जितने भी जीव है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी है हमारे आसपास में, हमें क्या करना है उनके लिए, उनके सर्वाइवल के लिए हमें कुछ हेल्प करनी है. वी आर नॉट सपोज टू किल देम, वी आर नॉट सपोज टू हार्म देम, हमें किसी भी तरह का उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है. छोटे इंसेक्ट हो, कोई भी हो, जितना हो सके हमको उनकी केयर करनी है. दिस वी हैव टू लर्न. एंड एट द एंड कवयित्री कहती है, संध्या समय एक होनी सारे मित्र हसूया. आता सकाळी आपण काय शिकलो की आपल्याला सगळ्यांना जगवायचं आहे, स्वतः पण जगायचं आहे, स्वतः पण एन्जॉय करायचं आहे लाईफचा. ईच अँड एव्हरी मोमेंट वी आर सपोज टू एन्जॉय, बट नॉट बाय हार्मिंग अदर्स. दूसरों को नुकसान पहुँचा के हमें लाईफ में खुशी नहीं मिलती है, तर हे आपल्याला शिकायचं आहे. आणि संध्याकाळी सगळ्यांनी आपण एकत्र यायचं आहे, कारण आपण खूप चांगलं काम करतो आहे, दुसऱ्यांना आपण जगवतो आहे, हेल्प करतो आहे, आपल्या क्वालिटीज आपण शेअर करतो आहे. आणि मग संध्याकाळी आपल्याला काय करायचं आहे, सगळ्यांनी मिळून आपण हसायचं आहे. दिस इज ऑल्सो अ बेस्ट मेडिसिन, येस ऑर नो? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. तर ते सुद्धा आपल्याला करायचं आहे, एन्जॉय करायचं आहे, कारण आपण खूप चांगलं काम करतो आहे, हो की नाही? तर अशा प्रकारे ब्युटिफुली आपल्याला या कवयित्रींने, इस पोएटेसने हमें बताया है कि किस तरह नेचर हमें सिखाता है. बस हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि नेचर हमें क्या सिखाता है, बस उसको हमें फॉलो करना है. आई होप कि आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी. कुछ भी अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए. तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.